Hello friends, enhance your vocabulary with fun. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैब की. आज हम याद करेंगे वोकैब विद निमोनिक मेथड. अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको ना पता हो कि निमोनिक मेथड क्या होता है. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. जिस किसी को नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूंगा. निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वर्ड को रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट कर देते हैं और उसको याद कर लेते हैं. इस तरह से माना जाता है कि वोकैब को याद करने की जो सीमा होती है वो बढ़ जाती है. लंबे समय तक हमें वो वर्ड क्या होता है याद रहता है. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में इस पद्धति को, इस सिस्टम्स को अपनाया जा चुका है. फॉरेन कंट्री में इसी के द्वारा, इसी की तरह वोकैब को, एक एक वर्ड को याद करवाया जाता है और करा जाता है. ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की. ये बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं. अगर ये बुक आप किसी और स्टेट में रहते हैं शायद इसका मिलना काफी मुश्किल हो. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं. अगर आप परचेज करना नहीं चाहते तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप वोकैब सीख सकते हैं. इस तरह के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में काफी सारे मिल जाएंगे. आप जाइए राजेश्वरी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में, वहां पे इस बुक के सभी सेट पहले से अपलोड कर चुके हैं. वॉल्यूम 1 अपलोड हो चुका है, वॉल्यूम 2 का ये पार्ट 5 होगा. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर. वर्ड नंबर 1 हैकनेड, इसको बोलते हैं घिसा पिटा. देखिए हैक से बना है हैकर, नेड से बना है नया. यहाँ पे देखियो, देखना बच्चों कि जो हम वर्ड को याद करेंगे वो थोड़ा सा हम जो उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे थोड़ा सा अलग करेंगे थोड़ा सा, ठीक है. जैसे कि हैक से बना है हैकर और ने से बना है नया. ये हमको दो कीवर्ड मिल गए यहाँ से, हैकर नया. ये हमारा कीवर्ड है हैकर नया. इसके द्वारा अब हम इस वर्ड को याद करेंगे. एग्जाम्पल है, हैकर जो नया आया है मार्केट में वह घिसा पिटा आइडिया दे रहा है. जो हैकर्स होते हैं किसी चीज को हैक करते हैं तो उनके पास आइडिया क्या होते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं कि किसी चीज को कैसे हैक करें, जीमेल अकाउंट कैसे हैक करें, किसी का फेसबुक अकाउंट कैसे हैक करें. तो अगर कोई भी हैकर्स है और वो घिसे पिटे आइडिया दे रहा है तो वो हैकर्स मार्केट में चलेगा? बिल्कुल नहीं. तो हैकर्स का मतलब क्या होता है, घिसा पिटा. वही घिसी पिटी बातें करते हैं हैकर्स, जीमेल को हैक करो, फेसबुक को हैक करो. तो हैकर्स क्या होते हैं, घिसी पिटी बातें करने वाले होते हैं. तो हैकनेट का मतलब होता है घिसा पिटा. इस तरह से आप लोग वर्ड को याद करेंगे. यूज है इसका हैकनेट और सेइंग. सिनोनिम्स इसका बैनल, कॉर्नी, एंटोनिम्स फ्रेश एंड ओरिजिनल. वर्ड नंबर 2 होमिली. होमिली का मतलब होता है उपदेश देना. देखिए कीवर्ड है इसका होम. होम का मतलब घर. घर में क्या होते हैं, सब लोग क्या करते हैं, छोटे को देते हैं उपदेश, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, सीधे बैठ, कमर में पेन हो जाएगा, टीवी ज्यादा मत देखो, ज्यादा मत खाना, बाहर ज्यादा मत खेलना, काले हो जाओगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात. होमली क्या है, होम. होम कैसा होता है, होम में कोई ना कोई आपको उपदेश देने वाला होता है, आपके दादा, आपकी मम्मी, आपके पापा का भाई, कोई भी हो. तो होमली से बना है उपदेश. इस तरह से आप लोग वर्डों को याद कर रहे हैं. देखिए कीवर्ड आपका क्या हो गया, होम. होम का मतलब होता है घर. सिनोनिम्स इसका होता है सर्मन एंड डॉक्ट्राइन. एंटोनिमस एब्यूज. एंटोनिमस क्या होगा इसका, एब्यूज. तो ये सभी जो वर्ड हैं बच्चों मैं पहले बताना चाहूंगा आपको, शायद मैंने बताया नहीं आपको इस वीडियो में, ये सभी वर्ड जो है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. और एसएससी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, बल्कि 10 से 12 बार ये सभी वर्ड पूछे गए हैं. तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आपकी वोकैब काफी स्ट्रांग नहीं है. तो अगर आप वोकैब में 10 में से 9 नंबर अटेम्प्ट करते हैं, 10 क्वेश्चंस में से 9 या 10 क्वेश्चंस सही लगाते हैं, तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपकी वोकैब वीक है तो प्लीज बने रहिए. वर्ड नंबर 3 माइस नो मेल. इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है झूठा नाम. कीवर्ड है इसका मिस नाम. मिस से बना है मिस, नॉम से बना है नाम, मिस नाम. एग्जाम्पल, हमारे मिस का नाम गलत है, झूठा नाम है. अगर आप कहीं पे जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपकी मिस का नाम गलत बोलता है तो आप क्या बोलते हैं, ये नाम गलत है, सही नाम ये है, ठीक है. तो इसका सिनोनिमस क्या होगा, निक नेम, हॉसियर, एंटोनिमस, राइट. एंटोनिमस क्या होगा इसका, राइट. वर्ड नंबर 4 है आपका पार्लेंस. पार्लेंस का मतलब होता है उच्चारण.
पार्लेंस का मतलब क्या होता है? उच्चारण। कीवर्ड इसका क्या है? परलेंस। परलेंस, परलेंस खरीदने पर आपको एक नई बोली सिखाई जाएगी। एक लेंस अगर आप परचेज करते हैं तो आपको क्या होता है, एक नई बोली सिखाई जाएगी। इसका ये कीवर्ड ये हो गया। आप चाहो तो अपने कीवर्ड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी के कीवर्ड एडॉप्ट करने हैं, ढंग से याद करने हैं, लिखने हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, परलेंस से आप क्या कीवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि एक लेंस परचेस करेंगे तो हमको क्या होगा, मार्केट अगर हम जाते हैं एक लेंस लेकर, क्योंकि हमने ये एक लेंस परचेस करा था किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको एक नई बोली सिखाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से याद कर लीजिए आप चाहें तो। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिक्शंस। अगला है लोकेशंस। एंटोनिमस होगा इसका स्टैंडर्ड एंड साइलेंस। वर्ड नंबर 5, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। कीवर्ड ऑल वेट। ऑल वेट, एग्जाम्पल, ऑल लोगों को अपना वेट कम करना होगा। ऑल वेट, ऑल वेट क्या होगा? सारा वेट क्या होगा? आपको कम करना होगा, या फिर जितने भी लोग हैं उन सबको अपना वेट कम करना होगा। अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो, या फिर कोई भी फिजिकल क्लियर करना है तो आपको क्या होगा, सभी लोगों को वेट कम करना होगा। तो इस तरह से आप लोग वर्ड याद कर सकते हैं। सिनोनिमस इसका क्या होगा? मिटिगेट एंड पैसिफाई। एंटोनिमस इसका होगा एजिटेट एंड डिप्रेस। वर्ड नंबर 6, कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है? जनसंहार करना, बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या करना। कीवर्ड है इसका कार ने आज। कार ने आज, NAGE, ने से बना है ने आज। देखिए, कार ने आज क्या करा? जनसंहार करा। क्यों? क्योंकि कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कारनेज का मतलब जनसंहार। कार ने आज जनसंहार करा। सिनोनिमस इसका होगा मैस्करे एंड स्लॉटर। एंटोनिमस पीस एंड काम। वर्ड नंबर 7, गोरिला। देखिए, गोरिला एक वार होता था, आपको पता होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो। गोरिला का मतलब होता है छापा मार। उसमें क्या होता है, वॉर में कभी भी कहीं से भी वॉर कर देते थे, पीछे से आगे से कहीं से भी। वॉर का मतलब है जीतना, ठीक है। जंग में क्या होता है, सब जायज होता है, तो वो एक गोरिला वार था। उसमें छापामारी युद्ध होता था अचानक, कोई टाइम डिसाइड नहीं था वॉर करने का, कोई तरीका नहीं था वॉर को लड़ने का, कोई रूल नहीं था, बस टारगेट ये था कि जीता जाए। तो गोरिल्ला वार से संबंधित क्या है? छापा मार। एग्जाम्पल है, गोरिल्ला युद्ध में छापा मार लोगों की जरूरत है, यूज है गोरिल्ला वार। सिनोनिमस इसका है कमांडो एंड बुश फाइटर। एंटोनिमस ओपन, अटैकर एंड एयर अटैकर्स। वर्ड नंबर 8 है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। इसका मतलब है हर फिंगर। फिंगर से बना है फिंगर। एग्जाम्पल है, हर फिंगर ने उसकी तरफ इशारा करके कहा वह क्या है, अग्रदूत है। सिनोनिमस इसका होगा ओमेन एंड सिग्नल। एंटोनिमस बिहाइंड। एंटोनिमस क्या होगा इसका? बिहाइंड। वर्ड नंबर 9, इनेन। इनेन का मतलब होता है मूर्ख। कीवर्ड है ये नान। इन नान, नान का मतलब नान। ये नान रोटी नहीं खाते, इसलिए क्या है, मूर्ख है। जो लोग नान नहीं खाते वो लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए कोई ना कोई कीवर्ड चाहिए होता है, तो हम किसी भी तरीके का कीवर्ड बना सकते हैं। आप अपने कीवर्ड खुद बना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो वैसे कीवर्ड बनाइए और अपने नोटबुक में उसे नोट करिए। इसका सिनोनिमस होगा फुलिश एंड डाफ्ट। एंटोनिमस होगा इसका ब्राइट एंड स्मार्ट। वर्ड नंबर 10, इनऑगरेट। इनऑगरेट का, इनऑगरेट का मतलब होता है शुभारंभ करना, स्टार्ट करना। इनऑगरेशन से बना है इनऑगरेट। इनऑगरेशन से क्या बना है, इनऑगरेट। कीवर्ड है इसका आगरा रेट। आगरा रेट, एग्जाम्पल, इनको आगरा में नए रेट का शुभारंभ करना है। सिनोनिमस इसका होगा इन्वेस्ट एंड बो। एंटोनिमस फिनिश एंड एड जर्न। वर्ड नंबर 11, ऑब्सिक्यूस। ऑब्सिक्यूस का मतलब होता है अंतिम संस्कार। की वर्ड है अब से क्विज। ऑब से अब, से का मतलब से, क्विज का मतलब क्विज। अब से क्विज में वही लोग भाग लेंगे जो अंतिम संस्कार में भाग लेंगे, ठीक है। आपके क्विज में कौन लोग भाग लेंगे, जो अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। सिनोनिमस क्या होगा इसका, सेरेमनी। एंटोनिमस होगा इसका इनॉग्रेशंस। वर्ड नंबर 12, वर्ड नंबर 12, पंक्सिलियस। समय निष्ठ पाबंद, जिसको हम बोलते हैं पंक्चुअल, ठीक है। ये काफी व्यक्ति क्या है, काफी पंक्चुअल है, सही समय पर पहुंच जाता है, तो वक्त का पाबंद। तो उसको याद करेंगे पंक्चुअल से।
एग्जाम्पल है, जो अपने काम के प्रति पंक्चुअल होते हैं वह क्या होते हैं, समयनिष्ठ होते हैं, समय की वो कदर करते हैं। और जो लोग क्या करते हैं, समय पर नहीं, जो टाइम पर पहुंचने का वहां नहीं पहुंचते, वो क्या करते हैं, समय की कदर नहीं करते, वो क्या होते हैं, नॉन पंक्चुअल व्यक्ति होते हैं, पंक्चुअल वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं होते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, हेटफुल, एग्जैक्ट, एंटोनिम्स होगा इसका केयरलेस एंड इनफॉर्मल। वर्ड नंबर 13, सेंटेंशियस, इसका मतलब होता है मुख्य सार, सेंटेंस से बना है सेंटेंशियस। एग्जाम्पल है, इस सेंटेंस का मुख्य सार मुझे पता है। सिनोनिम्स इसका होगा कॉन्साइज एंड पिथी। एंटोनिम्स इसका होगा सुपरफिशियल एंड वर्बोस। वर्ड नंबर 14, अवेयंस। अवेयंस का मतलब होता है, अवेयंस बोल दो उसको, इसका मतलब होता है सुप्त अवस्था में, सुस्त मतलब इनएक्टिव जो होता है वो। कीवर्ड है इसका अभियान। सिनोनिम्स इसका होगा इनएक्टिव, डोरमेंसी, एंटोनिम्स एक्शंस एंड रिन्यूअल। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से पढ़िए दोबारा से इसका। अब यान सुप्त अवस्था में पड़ा है, जो यान था काफी समय से लंबी यात्रा कर रहा था, एक्टिव था, अब क्या हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक है, वो क्या हो गया, काफी अब इनएक्टिव हो गया। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 15 की ओर, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब होता है न्यायकर्ता। की वर्ड है और बटर, मतलब न्याय करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं न्यायकर्ता। तो जैसे जज होता है ना हमारे कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर उसके चैम्बर होता है, चैम्बर का नाम होता है उसका ऑर्बिटर चैम्बर। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ, जज है, न्यायकर्ता का ये रूम है, उसमें एंटर नहीं करना है आपको। तो इस तरह के कुछ आपने देखे होंगे अगर कोर्ट वगैरह गए होंगे तो इसका वर्ड जो है एग्जाम्पल, इसका की वर्ड है और बटर। एग्जाम्पल है और बटर खाकर वह हमारा क्या करेगा, न्यायकर्ता बनेगा। सिनोनिम्स इसका होगा एम्पायर या फिर जज। एंटोनिम्स होगा इसका कॉमन एंड ऑर्डिनरी। वर्ड नंबर 16, एम्बियू। एम्बियू का मतलब होता है व्यापक होना। कीवर्ड है इसका अंबे। अंबियू से बना है अंबे। अंबे माता हर जगह क्या है, विद्यमान है, व्यापक है, हर जगह माँ क्या होती है, पाई जाती है। सिनोनिमस क्या होगा इसका, स्टीप एंड डिफ्यूज। एंटोनिमस टेक ऑफ एंड ड्रेन। वर्ड नंबर 17, मटर या मुटर। मुटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। कीवर्ड है इसका मटर। मटर खाकर वह लोग क्या करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। मटर पके नहीं ढंग से, कच्चे हैं, सब्जी में मजा नहीं आया, मटर काफी ज्यादा गल गए हैं, मटर में से स्मेल आ रही है। तो मटर खाने वाले क्या होते हैं, हमेशा लोग क्या करते हैं, बड़ 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 करते रहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसका, स्पूटर एंड ग्राउच। एंटोनिम्स है इसका स्पीक एंड क्लियरली। वर्ड नंबर 18, वर्ड नंबर 18 जो है हमारे पास वो है लिम्पिड या लाइम्पीड। इसका मतलब होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट। कीवर्ड है इसका लैम्प। लिम्प से बना है लैम्प। लैंप हमेशा क्या होता है, लैंप हमेशा क्या होता है, पारदर्शी होता है। अगर लैंप में अगर आप लोग ब्लैक कलर के शीशे लगा दे तो वो क्या होगा, पारदर्शी नहीं होगा। लैंप हमेशा क्या होता है, पारदर्शी। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, लिम्पिड से बना है लैंप, लाइम्पिड से बना है लैंप। सिनोनिम्स इसका होगा लूसिड एंड क्लियर। एंटोनिम्स ऑब्स्क्योर एंड वैग्यू। वर्ड नंबर 19, ऑक्यूसिव। इसका अर्थ होता है जलीय, जैसे एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जलीय, जहाँ पे जल में मतलब करके मछली का जो बॉक्स होता है, जहाँ मछली रखी जाती है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो इक्वेस और एक्वेरियम दोनों सेम सही है। कीवर्ड है ये क्यों, एक्यू का मतलब ये क्यों। एग्जाम्पल है ये क्यों जलीय है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, वाटरली एंड जूसी। एंटोनिम्स सॉलिड एंड स्टेबल। वर्ड नंबर 20, कॉन्ट्यूमिली। कॉन्ट्यूमिली का मतलब होता है, या कॉन्टेमिली का मतलब होता है, तिरस्कार करना, किसी को धुतकारना। की वर्ड है कॉन टाइम। कॉन ट्यूम से बना है कॉन टाइम। एग्जाम्पल है, कौन से टाइम तुम्हारा तिरस्कार किया गया है। सिनोनिमस इसका होगा एब्यूज एंड स्कॉर्न। एंटोनिमस होगा इसका रिस्पेक्ट एंड फ्लैटरी। वर्ड नंबर 21, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, ये आपको पता होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, ये सभी वर्ड एग्जाम में कई बार 10 से 12 बार पूछे गए हैं। सभी वर्ड, एक एक वर्ड 10 से 12 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज इसको स्किप मत करना, इसको ध्यान से देखना, दोबारा इस वीडियो को वॉच करना, एक बार और इस वीडियो को वॉच करना, उसके बाद आपके साथ सबके सब वोकैब याद हो जाएंगे। जो भी आप पेन डाउन कर रहे हैं, सबसे पहले आप बोल बोल के लिखेंगे, कीवर्ड आप जरूर लिखेंगे। कीवर्ड के बाद चाहो तो आपका जो इसका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है वो मत लिखिए, वो आप खुद बनाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लगता है तो बना लीजिए, वरना बुक्स में से कॉपी कर लीजिए। टारगेट ये है कि याद करो, कैसे भी करो, ठीक है।
डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, और कीवर्ड है इसका दो फेमस, डी से बना है दो, फेम से बना है फेमस। एग्जाम्पल है, दो बार फेमस होने के बाद उसे बदनाम किया गया, पहले तो वो फेमस हो गया दो बार, उसके बाद उसको बदनाम करा गया कोई भी उस पर आरोप लगा करके। सिनोनिमस क्या होगा इसका, विलीफाई एंड डिस्क्रेस, एंटोनिमस होगा फ्लैटर एंड लाउड। देखिए ये एक रिवाइज सेक्शन होता है इस बुक में, जो भी हम लोग वर्ड सेट जो हमने 5 देखा इसमें जो भी वर्ड आए थे उन सब का रिवाइज सेक्शन है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या है वो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट अगर आपको एक बार में वीडियो वॉच हो गया हो, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने एक बार में याद कर लिया तो इस वीडियो को अभी पॉज करिए और इसके सभी हिंदी में मीनिंग क्या है वो लिख के देखिए और इसके कीवर्ड बनाइए जो पूरी बुक में आपको दिया गया था, वैसे आप पैटर्न अपनाइए अपना सारा। ठीक है, तो इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।